अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। माय नेम इज अब्दुल्ला खटक। टुडेज वीडियो इज अबाउट मी बाय माय ड्रीम कैमरा फाइनली आफ्टर 2 इयर्स। तो भैया मैं कैमरा लेना चाह रहा था फॉर द पास्ट 2 इयर्स, लेकिन कभी मौका नहीं मिला खरीदने का, या तो पैसों का मसला हो जाता था या कोई और मसला हो जाता था, लेकिन आई नेवर गॉट अराउंड टू बाइंग इट। द कैमरा दैट आई वॉज एमिंग टू बाय वॉज दी सोनी A6500, लेकिन फिर वो 2 साल इतना वेट हो गया कि उसमें नया A6400 भी आ गया। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द A6400 में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो मेरे काम के हैं, जैसे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हो गई, मैं स्टडी विद मी वीडियोस बनाता हूँ तो उसके लिए आई वांट कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग। उसके अलावा ओवरहीटिंग का मसला था A6500 में, विच इज़ नॉट देयर इन A6400। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेनी रीजंस दैट आई चोज द A6400 ओवर द A6500। अच्छा भाई, दिस इज़ द कैमरा दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स। दिस इज़ द कैनन G7X Mark II। इसकी हालत से आपको पता लग रहा होगा कि इसको जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें, इसकी फ्लिप स्क्रीन भी थोड़ी सी ऐसे हो गई है, फ्लिमसी सी। बट या, दिस इज़ एन अमेजिंग कैमरा ऑनेस्टली, और इसको मैं बेच भी नहीं रहा इसीलिए बिकॉज आई जस्ट लव दिस कैमरा। इसको आप कहीं भी, मतलब जेब में रखो, एनी वेयर यू कैन टेक इट आउट एंड जस्ट स्टार्ट व्लॉगिंग। सो दिस इज़ गन बी माई सेकेंडरी कैमरा। इसी कैमरे के साथ मैंने जो है 100,000 हिट किया था ऑलमोस्ट, फिर मेरा चैनल हैक हो गया, लेकिन दिस हैज़ बीन विद मी थ्रू अ लॉट, सो दिस इज़ स्टिल गन बी इन माई पॉकेट। अच्छा, इस कैमरे में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आई फाइनली डिसाइडेड टू अपग्रेड। सबसे पहले 4K रिकॉर्ड नहीं करता, सेकेंडली 120 FPS नहीं है, थर्ड इसकी बैटरी टाइमिंग इज़ नॉट द बेस्ट, और इसमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स आप लगा नहीं सकते, विच इज़ अ डाउन साइड। अदर देन दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू इम्प्रूव क्वालिटी, आई वॉन्टेड कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग एज वेल, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू अपग्रेड। एक्सटर्नल माइक इस पर नहीं लगता, तो जब आप रश वाली जगहों पर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होता है और ऑडियो काफ़ी ख़राब होती है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वाई आई डिसाइडेड टू फाइनली अपग्रेड एंड बाय अ न्यू कैमरा। सो इट वॉज जस्ट अनदर डे, बैठा हुआ था मैं आराम से, एंड दिस आइडिया क्लिक्ड इन माई माइंड दैट आई शुड रियली बाय अ न्यू कैमरा नाउ। तो उसी वक्त मैंने अपने दोस्त हुसैन भाई को कॉल किया, शाउट आउट टू हुसैन भाई बाय द वे, हिज चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक हिम आउट। उनको मैंने बताया कि यार मैंने इस तरह कैमरा खरीदना है, और आप पेशावर में किसी को जानते हैं, तो वी फाउंड अ डीलर which was reliable, had a good price, and then I decided to finally buy my favorite camera. मेरे बताने से अच्छा है कि आगे की स्टोरी आप खुद देख लें। जबरदस्त। मैंने सोचा नया कैमरा ले लिया, क्यों ना ऑन कैमरा अनबॉक्सिंग कर लें। सो देन आई डिड द अनबॉक्सिंग। अच्छा भाई, बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट दिस इज माय फर्स्ट अनबॉक्सिंग। इससे पहले मैंने कभी अनबॉक्सिंग नहीं की, तो अगर बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की अनबॉक्सिंग ना हो तो प्लीज एक्सक्यूज कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द सोनी A6400। प्लान तो ये था कि अनबॉक्सिंग करनी है तमीज से, कटर के इस्तेमाल के साथ, लेकिन इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एक्साइटमेंट जो इतनी थी। खैर, डब्बा आखिर खुल गया और अंदर से निकले कागज़ ही कागज़। पढ़ना तो है नहीं मैंने, तो साइड पे रखे आई कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द बॉक्स। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पावर केबल्स, चार्जिंग अडाप्टर, बैटरी, USB केबल, सोनी का सेक्सी सा स्ट्रैप, आईपीस कप, और आखिरकार द बीस्ट इटसेल्फ, द सोनी A6400। कैमरे का डब्बा बंद करके हम आए लेंस की तरफ। यहाँ भी शुरू में सोचा कि तमीज से खोल लें, लेकिन क्या करें, एक्साइटमेंट जो इतनी थी। खैर, डब्बा खुला तो अंदर से निकले कागज, उनको रखा साइड पे, और आए हम मेन प्रोडक्ट की तरफ, द सिग्मा 16mm f/1.4। और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। और हाँ, 1 करोड़ का माइक्रोफोन भी है जिसकी अनबॉक्सिंग करना मैं भूल गया। फिर बारी आई कार्ड की, 128GB खरीद लिया ताकि कोई टेंशन ही ना हो। ये थी हमारी छोटी सी अनबॉक्सिंग, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो ये छोटा सा एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है। दिस इज द सोनी A6400 एंड दिस इज द कैनन G7X Mark II।
तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इन दोनों की क्वालिटी में, इन दोनों की साउंड क्वालिटी में। G7X का अपना ऑन बोर्ड माइक लगा हुआ है, A6400 के साथ रोड वीडियो माइक गो लगा हुआ है, तो यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस योर सेल्फ एंड यू कैन अप्रिशिएट द अपग्रेड इन द क्वालिटी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा साइड बाई साइड कंपेरिजन आपको दे दूँ विद द न्यू कैमरा अलॉन्ग साइड द ओल्ड वन। अच्छा भाई, तो यहाँ कहानी अख्तिताम पे आती है। आई होप यू गाइज लाइक द स्टोरी ऑफ मी बाइंग माई फेवरेट कैमरा। आई जस्ट वॉन्ट गेट इट आउट ऑफ द वे, ये पॉसिबल ना होता इफ इट वॉज नॉट फॉर यू गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर द कंटिन्यूस सपोर्ट। विद दैट सेट, डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता नई वीडियो आ जाती है। सो इफ यू प्रेस दैट बेल आइकन, यू आर गोना बी नोटिफाइड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो डू दैट एंड ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे होम, कोरोना वगैरह खत्म नहीं हुआ, ठीक है, स्टिल देयर, सो बी सेफ एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कमाल किस्म के ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं, क्लिक हियर। इफ यू वांट टू वॉच स्टडी रिलेटेड स्टफ, क्लिक हियर।